गोवर्धन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्व मनाया जाता है जब श्री कृष्ण ने इंद्र का जो अभिमान था उसका वर्धन किया था। गोवर्धन एक पर्व है सामूहिक रसोई का। आज भी मंदिरों में भंडारा किया करते हैं, अन्नकूट बनाया जाता है जिसको पहले तो सब एक परिवार सम्मिलित होकर खाया करते थे। अन्नकूट में बाजरा लिया जाता है, चावल, सब तरह की सब्जियां, मौसमी सब्जियां सब मिलाकर एक अन्नकूट बनाया जाता है। इसको पूरा परिवार एक साथ खाया करता था, परंतु अब मंदिरों में और जगह जगह भंडारे हुआ करते हैं। गोवर्धन पर्व है गाय की पूजा का, गाय के सम्मान का। गाय जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है, गाय जो कि गंगा के समान पवित्र मानी गई है, गाय जो ना केवल हमें दूध, दही, मक्खन, घी देती हैं, इसके साथ उनका जो मूत्र और उनका जो गोबर होता है उसका भी उपयोग करा जाता है। उसी गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन की प्रतिमा, जो कि लेटी हुई प्रतिमा है और हाथ में गोवर्धन पर्वत है श्री कृष्ण के। आज का दिन जब था, कहा जाता है जब द्वापर काल में जब आज का दिन था, तब श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि पूरा जो गांव है वो तैयारी कर रहा है, ब्रिज तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और कोई पूजा की तैयारी हो रही है। तब उन्होंने माँ यशोदा से पूछा था कि ये आप क्यों तैयारी कर रहे हैं सारी, ये माँ पकवान किसके लिए बना रही हो? तब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को कहा था, ये जो पकवान है ये हम इंद्र देवता के लिए बना रहे हैं, उनकी पूजा होनी है, उनको खुश करना है। कृष्ण जी ने पूछा था कि आप इंद्र देवता की क्यों पूजा करते हैं? तो इंद्र देवता की पूजा माँ यशोदा ने बताया कि क्योंकि वो हमें बारिश देते हैं, वर्षा देते हैं, उससे हमारी फसल होती है। तो श्री कृष्ण बोले, माँ उससे ज़्यादा तो गोवर्धन हमें देते हैं, हमारी गायों को चारा देते हैं, गायों से हमें दूध मिलता है, आप अब की बारी गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। और उनके कहने पर गोवर्धन की पूजा हुई थी। और यही कथा है कि गोवर्धन की जब पूजा हुई तब जो इंद्र देवता थे वो नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध स्वरूप बारिश कर दी थी। और सब लोग जो कृष्ण के पास आकर बोलने लगे, देखिए कृष्ण, इन्होंने बारिश कर दी, आपने नाराज करा दिया इंद्र देवता को। तो श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली पर बांसुरी बगल में दबाकर और अपनी चुंटी छोटी जो उंगली होती है उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को ले लिया था और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए थे। इस बात पर बहुत क्रोधित हो गए इंद्र। उन्होंने लगातार 7 दिन तक बारिश करी थी। अब इस वर्षा से सब दुखी तो हो ही रहे थे, परंतु इंद्र को समझ आ गया कि जो व्यक्ति 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी चीटी उंगली पे लेके खड़ा है वो कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता। फिर वो गए थे ब्रह्मा के पास कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा ने उन्हें बताया था कि श्री कृष्ण तो विष्णु जी का ही अंश है, तुमने किससे कर लिया, नाराज कर दिया किसको। तब इंद्र को पूरी बात समझ आई और वो जाकर श्री कृष्ण के शरण में चले गए थे। तो श्री कृष्ण ने सारे गाँव वासियों को कहा कि अब से इस पर्वत की, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, किसी देवता की नहीं होगी। तब से ही गोवर्धन की पूजा होने लग गई दीपावली के अगले दिन से। तब से ही ये जो प्रथा है वो चली आ रही है गोवर्धन की। और ये बहुत ही सुंदर एक प्रयास भी है कि अपनी गाय माता को निलाया करते हैं गांवों में, गाय की पूजा करा करते हैं और उसी गोबर से पहले तो घर भी लीपे जाते थे, परंतु अब तो आपको एक छोटी सी प्रतिमा अवश्य गाय के गोबर की अपने घर में बनानी चाहिए, उसकी प्रतिमा करनी चाहिए, उसके पास गंगा जल, दूध इत्यादि, प्रसाद, पक्का खाना जो भी आप बनाते हैं वो रखिए। बाकी त्योहारों की तरह भी दीपावली पर्व के इसका भी प्रदोष काल जो रहता है संध्या के समय रहता है, तब आप उस मूर्ति का पूजन करेंगे, दिए जलाएंगे और जो भी घर के सदस्य हैं वो परिक्रमा करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल में, जो कि लग रहा है 5:07 शाम के से लेकर 8:27 तक। इस समय में ही आप गोवर्धन पूजा कीजिए। गोवर्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको आप बहुत अच्छे से मनाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।